Disclaimer. This channel does not promote any illegal activities. All content provided by this channel is meant only for educational purpose only. Copyright disclaimer under section 107 of the Copyright Act 1976. Allowances made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use. Indian Penal Code 29A, Electronic Record, Section 2. Cyberstalking means following the person with the intent to harass or embarrass other person. When these acts are committed with the aid of computers and internet, it is termed as cyberstalking. Stalking can be on social media through SMS, phone calls, etc. It often also involves criminal intimidation, Section 503 IPC and extortion. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव हार्डवेयर एंड साइंटिस्ट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जीगाबाइट का GA41 कॉम्बो बोर्ड आया है, जिसमें DDR2 और DDR3 दोनों ही रैम लगता है। तो गाइस, दरअसल इसमें ये बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है मेरे को नहीं मालूम, पर मैं लगाया ये VGA USB मतलब ये कीबोर्ड कनेक्टर, और ये लगा रहा हूँ SMPS का कनेक्शन। ओके, डिबग कार्ड में लगा के रखा हूँ और मैं SMPS को अभी ऑन करता हूँ। ओके, यहाँ पे फ्रंट पैनल है तो इसमें से ये नहीं चल रहा है। फिर से देखिए, तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये ऑफ है। फिर से देखिए, यहाँ पे टच कर रहा हूँ, नहीं चल रहा है। देखिए, तो इसके बाद मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये फैन घूम रहा है, लेकिन ये डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर आपको आपके पास ऐसे डेड बोर्ड आए तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले आपको ये VRM का जो सप्लाई है इसे हटा के चेक करना है, और VRM में शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है वो देखना है। क्या गिरा उधर से? तो अब इसको ऑफ करके चेक करेंगे। तो ये देखिए, बाजार मोड में आपको रखना है और यहाँ पे ओम सारा है, मतलब यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, ठीक है, दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे शॉर्ट नहीं है, ठीक है। देखिए, बराबर। तो आप चेक करना है, दो ब्रिज अगर होता है तो दो ब्रिज को आपको चेक करना है। तो ब्रिज में आजू बाजू में आपको यहाँ पे कैपेसिटर दिखेगा नहीं, तो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक मिनट दीजिए मेरे को, ध्यान से देखिए। यहाँ पे अब हमको चेक करना है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पे, तो यहाँ पे भी ओम्स आ रहा है, ठीक है, ये वाला SMD में, और इधर भी कुछ SMD होंगे। तो यहाँ पे ये एक SMD है, SMD मतलब कैपेसिटर ही चेक करना, कॉइल को अगर आपने चेक किया तो आपको शॉर्ट तो दिखेगा कॉइल में, है ना, देख लीजिए। इसमें भी ओम्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट वगैरह है नहीं। तो अब देखेंगे ये जो सप्लाई यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ SMPS का कनेक्शन, तो यहाँ से वोल्टेज मैं ऑन कर देता हूँ, वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है और किधर जाके ये फेल हो रहा है, STV वोल्टेज यहाँ से कहाँ तक जा रहा है और फेल किधर हो रहा है। तो ये DC 20 वोल्ट में रखा हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 4.60 वोल्ट आ रहा है। अगर पुराना मॉडल का बोर्ड है तो आपके वहां पे कुछ रेगुलेटर वगैरह होते हैं तो उसे आपको चेक करना है। इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो रहा है, बंद करो इन्वर्टर। यहां पे 5 वोल्ट,
दिखाई दे रहा है आपको? तो हम इसे चेक करके देख सकते हैं। तो इसके लिए इसको निकालना है। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के बाद निकाल रहा हूं। वो प्लास्टिक पिघल गए। नहीं, ये इसमें गिरा था ना, ये गिर के ये इधर जब गिरे ना इधर, तो ये पिघल गए। एक साइड में क्वांटिटी आ रहा है, क्वांटिटी मतलब कुछ ओम्स आ रहा है, लेकिन इधर से कुछ ओम्स नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसे चेंज करके देख सकते हैं। नॉर्मली तौर पे यहाँ पे 3.3 वोल्ट का रेगुलेटर लगाएंगे हम, TW17 का, उस टाइप का कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम ये लगाएंगे दूसरा, ये कौन सा है मेरे को नहीं मालूम, पर मैं 3.3 वोल्ट का लगा लेता हूँ पहले। ओके, देन अब चेक करेंगे इसे। प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, ऑन ही है तो। वो अच्छा फैन यहाँ पे बंद है, ये लग गए थे तो मैं सोचा कि नहीं चल रहे, वही तो चालू हो गया।
जीवा कार्ड इन ऑन कर दो ओके रिस्टार्ट करके देखते हैं में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ओके तो डिबग कार्ड को इस स्लॉट में लगा के देखेंगे एक बार बंद करके तो मैं इसे बंद कर रहा हूँ चालू तो हो गया कुछ अगर कोड में गलत सलत है तो उसका रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि काफी पुराना बोर्ड है भाई पूरा एकदम डेड हो जाता तो तभी बहुत बढ़िया होता नया एक्सेल हो जाता ओके कोड में चेंजेस हो रहा था ओके और अब यहाँ पे इधर आ गया है ड्यूअल वॉइस मैं फिर से रिस्टार्ट कर रहा हूँ इसे ইলেকট্রিকের গন্ধ লাগছে বাইরে হ্যাঁ এক মিনিট ভিডিও খতম করে দিতাম काम तो हो गया है लेकिन ये लाइट में प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं इसे फिर से और एक बार स्टार्ट कर रहा हूं वोल्टेज में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है इधर तो इसकी वजह से फिर से खराब भी हो सकता है क्योंकि आपने शायद देखे होंगे बाहर कुछ टॉर्च वगैरह हो रहा है मेन लाइन पे तो इसकी वजह से ये फ्लेक्चर हो रहा है लाइट यहाँ पे तब ये चल रहा है बिल्कुल देखिए ये फिर से चालू हो गया है सीमस चेक सम एरर डिफॉल्ट लोडेड ये सब कुछ दिखा रहा है ओके अब बूट डिवाइस ढूंढेगा और मैं इसको बंद करूंगा ठीक है ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको डिस्क बूट फेलियर इंसर्ट सिस्टम डिस्क एंड प्रेस एंटर तो यहाँ पे मैंने कुछ हार्ड डिस्क वगैरह कुछ नहीं लगाया तो ऐसे तो दिखाएंगी सो गाइज मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मल्टीपल लैंग्वेज में बनाना शुरू कर देता हूँ अभी तो एक साथ सब डालेंगे सो गाइज इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद वंदे मातरम